नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉपफीड न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विदिशा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो, पीएम मोदी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने एक बच्ची को अपनी गोद में लिया हुआ है और इस वीडियो में वो बच्ची से रामायण सुनाने का आग्रह करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के आग्रह पर जिस तरह से बच्ची रामायण का पाठ सुनाना शुरू करती है, उससे पूरी सभा में जैसे एक नया जोश भर आता है। साथ ही पीएम मोदी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वो बच्ची कौन है और आखिर पीएम मोदी की गोदी में वो बच्ची क्या कर रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बोलो बोलो बेटा, बोलो। मैं गौरी हूँ, पूजा और योगीराज शार्दुल की दिव्यांग बेटी, महेश कोठारी जी की अंजन छाड़ा शिवरी मार डांग में पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। रामायण सुनाओ, रामायण सुनाओ। जल्दी करो। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कई कई। राजा के थे चार बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मंत्रा नाम की दासी थी, बहुत चालाक, बहुत होशियार। भरत उनका प्यारा था, भरत उनका दुलारा था। राजा बोले, क्या चाहती हो रानी? रानी बोली, राज भरत को वनवास, श्री राम को वनवास हुआ, सीता लक्ष्मण। कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए, देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100-100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन मैं आप भारतीय की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इसलिए हिंदुस्तान में जहां जहां, जिस जिस राज्य में आदिवासियों ने 1857 1947 तक आजादी के जंग में जो कुछ भी किया है, हमारी सरकार उसका म्यूजियम बनाना चाहती है। देश की भावी पीढ़ी को हमारे आदिवासियों के लिए गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। मां भारती के लिए मरने वाले उनके पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि बच्ची बताती है कि वो पूजा और योगी राज शार्दुल की दिव्यांग बेटी है और पहली कक्षा की छात्र है। तभी पीएम मोदी बच्ची से रामायण सुनाने का आग्रह करते हैं, जिसके बाद बच्ची पाठ सुनाना शुरू करती है। जिस तरह से बच्ची पाठ सुनाती है वो वाकई मन मोहने वाला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी बच्ची से खुश होकर उसे शाबाशी देते हैं और उसे वाह वाह कहकर प्रोत्साहित भी करते हैं। वायरल वीडियो में पीएम मोदी देश की आजादी में आदिवासियों के योगदान की भी बात करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस बच्ची ने रामायण का पाठ सुनाकर ये बताया है कि आज के जमाने में भी बच्चों में से भारतीय संस्कृति कहीं खोई नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक पहुंचाएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।